हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में रमजान स्पेशल बादाम का शरबत बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही हेल्दी ड्रिंक है, इससे बहुत ही एनर्जी आपकी बढ़ जाएगी। चलिए अब बनाना मैं स्टार्ट करती हूँ। बादाम शेक बनाने के लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने ये बादाम लिए हैं जिनको मैंने 2 घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो दिया था। इसकी स्किन को निकालकर इस तरह से बारीक बारीक मुझे काट लेना है। 4 टीस्पून दरदरा बादाम का पाउडर लिया है, इस तरह देखिए दरदरा पीस कर बना लिया है। और 4 टीस्पून ही चीनी का मैंने लिया है, तो 2 टीस्पून कस्टर्ड पाउडर लिया है। ये क्वालिटी का कस्टर्ड पाउडर है, आसानी से मार्केट में अवेलेबल है। और थोड़ा सा फ्रेंड्स ये इलायची पाउडर लिया है। बादामों को फ्रेंड्स देखिए, स्किन निकाल कर मैंने इस तरह से बारीक बारीक काट लिया है। अब कस्टर्ड पाउडर में मुझे थोड़ा सा ठंडा दूध मिलाना है। ठंडा दूध मिलाकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, इसमें कोई भी लम्स ना रहे। कस्टर्ड पाउडर में दूध ठंडा ही मिलाना है। सबसे पहले मैंने 1 लीटर दूध लिया है और उसको बॉईल करने के लिए रख दिया है। तेल चलाते हुए इसको बॉईल करना है और हल्का सा गाढ़ा हो जाए। 8-10 मिनट हो चुके हैं लो टू मीडियम हीट पर इसको दूध को पकते हुए। दूध थोड़ा गाढ़ा हो चुका है। ये मैंने फुल क्रीम मिल्क लिया है। अब इस टाइम इसमें 4 टीस्पून चीनी का ऐड करना है। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर दीजिए। अगर आप ज्यादा मीठा खाते हैं तो थोड़ी सी चीनी बढ़ा दीजिए, और कम खाते हैं तो थोड़ी सी चीनी को और कम कर दीजिए। चीनी मिक्स हो चुकी है। अब इस स्टेज पर ये बादाम का पाउडर इसमें ऐड करना है, इसको भी चलाते हुए मिक्स कर लेना है। ये इलायची का पाउडर भी इसमें ऐड करना है। अगर आपको इलायची की फ्लेवर पसंद है तो आप इलायची डालिए। अगर आपको केसर की फ्लेवर पसंद है तो आप इस टाइम इसमें केसर के कुछ धागे डाल दीजिए, उसके भी बहुत अच्छी मिल्क शेक में फ्लेवर आती है। चीनी और बादाम मेरे अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब इस स्टेज पर मुझे इसमें ये कस्टर्ड पाउडर जो दूध में मैंने मिलाकर रखा था वो इसमें ऐड कर देना है, और इसको बराबर चलाते रहना है। कस्टर्ड पाउडर फ्रेंड्स में थोड़ा सा ही डालना है, ज्यादा नहीं डालना, ज्यादा डालने से बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा। कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद दूध थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। अब इस टाइम इसमें ये कटे हुए बादाम ऐड कर देने हैं। ये बादाम शेक एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। इसको आप रमजान में या डेली बच्चों को इस तरह का बादाम शेक बनाकर पिलाइए, ये बहुत ही टेस्टी और ताकतवर होता है। ये देखिए बनकर मेरा तैयार हो चुका है। मुझे इतना ही इसको गाढ़ा रखना है, ये ठंडा होने के बाद थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा। गैस को फ्रेंड्स मैंने अब बंद कर दिया है। 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में इसको ठंडा होने के लिए मैं रख देती हूँ। इसके बाद आपको सर्व करके दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, ये बादाम का शरबत बनकर मेरा तैयार हो चुका है। अब ऊपर से बादाम पाउडर से मैं इस तरह से इसको गार्निश कर देती हूँ, ताकि ये देखने में भी खूबसूरत लगने लगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।